What's up guys? I hope you are doing well. I am Veer. Welcome to Study Lover Family. आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप लोगों के सामने हैं एक मोटिवेशनल पर्सनैलिटी. देखिए ये एक मदर हैं, नाम है विजेता दिनाकरन. इनके द्वारा अभी यूपीएससी क्लियर किया गया है. सबसे बड़ी बात है यहाँ पर शादीशुदा एक मदर और इस तरीके से सेल्फ प्रिपरेशन कर कर इन्होंने जो यूपीएससी क्लियर किया है, ये आप लोगों के लिए भी एक मोटिवेशन का सोर्स होगा. क्योंकि जो बच्चे ये मानते हैं कि हाँ सेल्फ प्रिपरेशन से क्लियर नहीं किया जा सकता, तो ये जीता जागता उदाहरण है, वो भी बीइंग ए मदर. तो ये आज जो है ये आप लोगों के सामने ये एक छोटा सा डिस्कशन आने वाला है, जो कि हम लोगों ने फोन पर बातें की हैं. एक नॉर्मल डिस्कशन होता है, जैसे नॉर्मल हम लोग फोन पर बातें कर लेते हैं, बिल्कुल उसी तरीके की एक रिकॉर्डिंग है. ठीक है, वीडियो नहीं है. तो ये आप लोगों को काफी कुछ यहाँ पर सीखने को मिलेगा कि किस तरीके से आप लोग अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं, प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोग अपने टाइम को कैसे डिवाइड कर सकते हैं, और एक तरीके से एक इंटीग्रेटेड स्टडी लेकर आप लोगों को चलनी होती है. तो ये तमाम मुद्दे यहाँ पर डिस्कस किए गए हैं. तो हम दोनों के द्वारा यहाँ पर बातें की गई हैं. तो यहाँ पर वीडियो नहीं है, ओनली ऑडियो है. तो आप लोग इसको एंजॉय कर सकते हैं और देख सकते हैं कि आप लोगों को कहाँ पर ये आने वाले एग्जाम में फायदा पहुंचा सकती है. तो एग्जैक्ट 10 o'clock आप लोगों को ये हमारा डिस्कशन मिल जाएगा. अगर आप लोगों को लग रहा है कि हाँ आप लोगों को कुछ इस तरीके से कुछ गाइडेंस चाहिए, तो आप लोग इसको जरूर सुन सकते हैं. देखने की जरूरत नहीं है, सुनने की जरूरत है. आप लोग जो भी नॉर्मली से वीडियो कोई है नहीं है. ओके, तो आइए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या क्या आज हम लोग को डिस्कस करना है. सबसे पहले आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैप बेस्ड क्वेश्चन, जो कि है माल्टा. जाकर मैप में नहीं हारेगा, कल फिर इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे. बाकी काफी कुछ शानदार डिस्कस करने के लिए है आज के द हिंदू न्यूज़पेपर में. आगे बढ़ने से पहले एक बार नजर डालते हैं ये क्वेश्चन जो मैंने आप लोगों से लास्ट वीडियो में पूछे थे, यानी कि रिविजन थोड़ा आप लोग देख लीजिए एक बार. सबसे पहले बात की जा रही थी हमारी कंट्री में जो कैपिटल इनफ्लो हो रहा है उसके बारे में. तो हमारी कंट्री में मार्च में ये हाईएस्ट देखने को मिला. 2012 से लेके अब तक का अगर आप लोग पूरा टाइम पीरियड निकाल के देखेंगे तो सबसे ज्यादा देखने को मिला, जो कि 4.89 बिलियन डॉलर था यहाँ पर. इसी के साथ में चाइना को फर्स्ट टाइम हम लोगों ने लगभग 20 सालों में, यानी कि 2 decade में चाइना को भी हम लोगों ने पीछे छोड़ दिया फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में. तो ये एक काफी बड़ी बात आप लोग यहाँ पर बोल सकते हैं. नेक्स्ट हम लोगों ने बात की थी जापान में ट्रांसफॉर्मेशन के बारे में. जापान में नए किंग आने वाले हैं, तो उनकी जो एरा है वो भी उनकी दूसरी एरा होगी. क्योंकि अब तक जो चल रहा था यहाँ पर, ये आप लोगों को मैंने बताया था पहली कि यहाँ पर कौन कौन सी एरा कैसे कैसे यहाँ पर चलता है, तो अकीहितो के बारे में जाना था. ठीक है, तो जो 2019 से अभी जो एरा चलने वाला है उसको रीवा एरा बोला जाएगा, जो कि ये है नारुहितो. ठीक है, इनका रूल आने वाला है. अब तक जो एरा चल रहा था ये अकीहितो का था, जिसको हाईसी एरा बोला गया था. जैसे यहाँ पर एम्परर चेंज होता है तो एक नया एरा यहाँ पर स्टार्ट होता है. तो 2019 से ऐसा ही कुछ हो रहा है यहाँ पर जापान में, तो हल्का सा आइडिया आप लोग रख सकते हैं. प्रेसिडेंट इब्राहिम मोहम्मद सोलिह मालदीव में एक शानदार तरीके से जीत कर आए हैं, काफी अच्छी इनकी जीत रही. और आज दो आर्टिकल भी इसी से रिलेटेड है, दोनों को मर्ज कर डिस्कस करूंगा. और मैक्सिमम जो फोकस रहेगा इंडिया का कॉन्टेक्स्ट वहां पर आप लोगों को दिखाने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इनकी लोकल पॉलिटिक्स हमारे किसी काम की नहीं है. तो उसके ऊपर हम लोग नजर डालेंगे, एक ओवर एनालिसिस करूंगा उसका पूरा. 85% जो उज्ज्वला बेनिफिशियरी हैं यहाँ पर 4 राज्य के अंदर, वो जो हैं आज की डेट में उसको एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं. यानी कि हाँ घर में सिलेंडर है वो सब है, पर लेकिन एक आदत नहीं है, या फिर आप लोग बोल सकते हैं कि एक तरीके से जैसे बिल्कुल कंपेयर करके बोला नहीं गया था कि जैसे स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालय बनाए गए पर लोग उनको कोई यूज नहीं कर रहा है, तो उसमें चेंज नहीं किया गया है. तो ये एक सोचने वाला मुद्दा है. इसी के तहत पेरियार रिवर पोल्यूट हो रही है काफी ज्यादा केरला के अंदर में. सेम ऐसे ही जैसे मैंने आप लोगों को बताया था जो कंडीशन होती है गंगा रिवर की, खासकर कानपुर वाले एरिया में आकर यूपी के अंदर, इसी तरीके से यहां पर ये पेरियार रिवर केरला के अंदर हो रही है. यूएसए के द्वारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लेस आर्मी सपोर्ट सोल्जर बनाने की बात की जा रही है, जो कि आने वाले टाइम में यहाँ पर बैटल फील्ड में देखने को मिल सकते हैं. तो एक नया आयाम देने की कोशिश की जा रही है अपनी फोर्सेज को यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के द्वारा. तो ये भी एक काफी बड़ा मुद्दा है. और स्पेस फोर्सेज में भी यूएसए फर्स्ट कंट्री है ऐसी वर्ल्ड में जो कि इस तरीके की एक्टिविटी करने जा रही है. आइए नजर डालते हैं आज के आर्टिकल के ऊपर. शानदार डिस्कशन रहने वाला है. लेक्चर की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं आप लोग फेसबुक पर जाकर, और यहां पर आप लोग मेरे साथ में कनेक्ट भी हो सकते हैं. इसी के साथ में टेलीग्राम पर भी आप लोगों को लिंक मिल जाएगा वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, दोनों लिंक आप लोगों के लिए अवेलेबल रहेंगे. काफी शानदार आर्टिकल है आज का, जुडिशरी के बारे में डिस्कस किया जा रहा है. हम लोगों ने कई दिनों पहले अभी एक आर्टिकल डिस्कस किया था आरटीआई और जुडिशरी वाला, यहां पर बिल्कुल डिटेल में एनालिसिस किया है दोनों पॉइंट का. क्यों यहां पर आरटीआई के अंडर में नहीं आना चाहिए जुडिशरी को, और क्यों यहां पर कोलिजियम सिस्टम को ऐसे लेकर चला जा रहा है, तो दोनों ही डिटेल में यहां पर डिस्कस करेंगे काफी शानदार तरीके से. नीचे वाला आर्टिकल है गोलन हाइट को लेकर, जो कि सीरिया के द्वारा कैप्चर किया गया और रिकॉग्नाइज किया गया यूएसए के द्वारा कि हाँ ये सीरिया का पार्ट है,
उसी के बारे में, वो सॉरी इसराइल का पार्ट है, इसराइल के द्वारा कैप्चर किया गया सीरिया से, और आज की डेट में ये इसराइल के कैप्चर में है और उसी के बारे में यहाँ पर डिस्कशन किया जा रहा है। तो डिटेल में नजर डालेंगे ये साइड वाला आर्टिकल और ये वाला आर्टिकल मालदीव से और इंडिया से रिलेटेड है कुछ पॉइंट, तो उनको एक जगह इकट्ठा कर हम लोग डिस्कस करेंगे, देखेंगे क्या क्या बातें यहाँ पर की जा रही है। पार्लियामेंट में कितने करोड़पति लोग हैं, यानी कि कितने अमीर लोग हैं पार्लियामेंट में। आज की डेट में जो लोग हैं पार्लियामेंट में वो पहले बिजनेसमैन हुआ करते थे, पॉलिटिशियन से कनेक्ट रहा करते थे। आज के डेट में बिजनेसमैन डायरेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेंगे कहां पर, पॉलिटिक्स में। और इसी तरीके से इस टॉपिक को आप लोग क्रिमिनलाइजेशन और पॉलिटिक्स से भी थोड़ा कनेक्ट कर सकते हैं, जो कि पॉलिटिक्स के अंदर आप लोगों का एक यूपीएससी का डायरेक्ट टॉपिक है। पहले जो हुआ करता था, अगर मुद्दा यहां पर, चलिए जब आर्टिकल डिस्कस करेंगे डिटेल में आप लोगों को यहीं पर ही बताऊंगा, ठीक है। इसी के साथ में यहां पर ये वाला आर्टिकल, राहुल गांधी जी साउथ इंडिया में वायनाड से अपना इलेक्शन लड़ने वाले हैं, यानी कि दो सीट से लड़ने वाले हैं, उसके बारे में डिस्कस किया जा रहा है, नहीं डिस्कस करेंगे। ये वाला आर्टिकल बात की जा रही है उत्तर प्रदेश की पॉलिटिक्स। उत्तर प्रदेश में हमारी कंट्री में लोकसभा में सबसे ज्यादा सीट है, जो कि 80 सीट है। पहली बार बीजेपी के द्वारा 73 सीट यहां पर जीती गई 80 में से और फुल मेजोरिटी में आई। अब की बार जो है यहां पर ये काफी खिचड़ी पकने वाली है उत्तर प्रदेश के अंदर, क्योंकि एक तो कांग्रेस किसी के साथ में यहां पर मेनली गठबंधन में नहीं है, जो मायावती जी की पार्टी और अखिलेश जी की पार्टी है वो एक साथ में गठबंधन में है और अजीत सिंह भी उनके साथ में है, पर लेकिन उनके अंदर भी मतभेद चल रहा है काफी ज्यादा। तो देखने वाली बात यहां पर यह है कि उत्तर प्रदेश में कौन ज्यादा जीत कर आता है, और यह माना जाता है कि जो उत्तर प्रदेश को पकड़ के ले जाता है वही सेंटर में गवर्नमेंट बना लेता है। तो अब देखने वाली बात होगी किस तरीके से यहां पर पॉलिटिक्स निकल कर आती है उत्तर प्रदेश की। ओके, तो ये था यहां पर आर्टिकल, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं है, चुनाव मुद्दा है और पॉलिटिक्स है। आइए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले एक क्वेश्चन के ऊपर नजर डालते हैं, जो कि आप लोग अगर अच्छे से सुनेंगे इसके बाद में आप लोग आंसर दे पाएंगे, फिर आर्टिकल हम लोग डिस्कस करेंगे। जुडिशरी के बारे में बोला गया है यहां पर कि जुडिशरी का एक काफी बड़ा रोल है हमारी कंट्री की, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक जो कंट्री हमारी उसके अंदर, पर लेकिन जब जुडिशरी की स्क्रूटनी की बात की जाती है, यानी कि अगर अपॉइंटमेंट हो रही है तो जनता को पता रहना चाहिए, जब ऐसा बोला जाता है तो जुडिशरी वरी में आ जाती है, चिंता में आ जाती है कि नहीं यार हमारी ट्रांसपेरेंसी हर्ट हो रही है। तो इसी के बारे में यहां पर डिस्कस किया जा रहा है, आखिर आप लोग ऐसा क्यों मान रहे हैं कि आपकी ट्रांसपेरेंसी हर्ट हो रही है। ये तो और ज्यादा अच्छा रहेगा, जनता को पता रहेगा आप लोग कैसे अपॉइंट कर रहे हैं, तो ये तो एक पॉजिटिव बात है, तो इसकी चिंता नहीं करनी चाहिए। और ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी यहां पर हमेशा होनी चाहिए अगर आप लोग एक डेमोक्रेटिक और रिपब्लिक कंट्री में रहते हैं। तो इसी के बारे में आर्टिकल है, डिटेल में नजर डालते हैं, काफी इंटरेस्टिंग आर्टिकल है, हंसी भी आई एक जगह तो मुझे पढ़कर, कुछ ऐसे पॉइंट मुझे सुनने को मिले इसमें। तो आइए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात की जा रही है, देखिए अगर आप लोग एक ऐसी कंट्री में रह रहे हैं तो वहां पर स्क्रूटनी से डरना नहीं चाहिए। 2009 में एक केस आया था दिल्ली हाई कोर्ट में, लगभग 10 साल हो गए हैं, आज की डेट में हम 2019 से बैठे हुए हैं। तो उस टाइम पर बोला गया था कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया वो आरटीआई के अंडर में आने चाहिए, और उस टाइम पर इनको पब्लिक अथॉरिटी बताया गया था। तो ये तो बोल दिया गया चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और उसमें इंक्लूड क्या होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया एक पूरा ऑफिस होता है, जैसे प्रेसिडेंट एक ऑफिस होता है ना, तो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी एक ऑफिस होता है पूरा, आप लोग एक पर्सन नहीं उसको कंप्लीट बोल सकते, बहुत सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। तो बोला गया था कि क्या क्या यहां पर चीजें हैं, तो कॉन्टेक्स्ट यहां पर ये था, एक तरीके से इंक्लूड किया गया यहां पर अलग अलग तरीके से, इवन यहां पर जज के जो एसिड्स वगैरह है वो भी बोले गए, पर लेकिन यहां पर ये जो रिवील करने की बात की गई थी वो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के सामने रिवील करेंगे, ना कि पब्लिक में। तो ये भी इसके ऊपर जो पीआईएल दायर की गई उसने ये बोला था कि क्या जो जज हैं वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को अपनी एसिड्स वगैरह सब बता रहे हैं, उसने ये नहीं पूछा था कि कितनी एसिड्स हैं उनकी, उसने ये पूछा था ओनली क्या एसिड्स वगैरह बता रहे हैं। तो उसके मुद्दे पर भी यहां पर केस जो है वो गर्मा गया, और बोला कि ये ट्रांसपेरेंसी को हट कर रहा है, और एक तरीके से यहां पर जो आरटीआई ऑफिसर है उसने भी यहां पर इंफॉर्मेशन देने से मना कर दिया। तो ये कंडीशन यहां पर देखने को मिली। अभी जो राइटर हैं वो कंप्लीटली डिफरेंट एंगल यहां पर बता रहे हैं। अगर बात करें यहां पर कंप्लीट इसके बारे में, तो दो मुद्दे यहां पर लेकर चला गया है, एक तो ये कि कितना हद तक यहां पर ट्रांसपेरेंसी को हट कर रहे हैं, यानी कि आप लोग जो बता रहे हैं कि हाँ ये आप लोगों की सैलरी है क्या वो जनता को पता होनी चाहिए, दूसरा कोलेजियम सिस्टम के बारे में है। और अगर हम लोग 2009 के जो डिसीजन की बात करें जिसको रोक दिया गया, यानी कि जिसको अलाउ नहीं किया गया कि हाँ ऐसा कुछ होना चाहिए, उसमें यहां पर जस्टिस रविंद्र भट्ट के द्वारा यहां पर ये बोला गया कि देखिए आरटीआई ना एक पावरफुल बीकन, एक पावरफुल लाइट है, जो कि कहीं ना कहीं अगर आप लोग इसको ढंग से अलाउ करते हैं तो पब्लिक अथॉरिटी, तो एक तरीके से पब्लिक अथॉरिटी के ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ेगा, बल्कि जनता में जो इसकी एक्सेस होगी उन चीजों की, जो कि एक ऐसा सेक्शन है जिसको कभी पता ही नहीं चल पाता है क्या चल रहा है एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर, तो वो भी पता चल पाएगा। तो ये बात बोली गई, पर लेकिन सुप्रीम कोर्ट के द्वारा अपील की गई इसके अगेंस्ट में, और इसके ऊपर स्टे लगा दिया गया कि ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए कि हाँ ये अपनी जो सैलरी वगैरह जो इनका एसेट्स है उसको पब्लिक में रखें, ये सही बात नहीं है।
तो तब से लेकर अब तक ये ऐसे ही मैटर चला हुआ था, एक बक्से में पड़ा हुआ था, अब फिर से खुलकर आया ये मैटर। अब इसी मंथ के स्टार्टिंग से, मतलब कुछ दिनों से अभी ये चल रहा है, 5 जज की बेंच के ऊपर ये मैटर पहुंचा। 5 जज की बेंच ने ये मैटर रिजर्व रख लिया, अभी यहां पर डिसीजन जो है अभी पब्लिक में इसको नहीं पब्लिक किया है। तो अभी राइटर उसको किस तरीके से एनालाइज कर रहे हैं, तो उसको जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया, दो तरीके से एनालाइज कर रहे हैं। सबसे पहले तो जस्टिस भट्ट के द्वारा जो बताया गया कि देखिए पब्लिक अथॉरिटी है एक तरीके से जस्टिस जो हमारा सिस्टम है, तो उनको अपनी जो एसेट्स वगैरह है उसको डिस्क्लोज करनी देनी चाहिए, तो ये बोला गया था 2009 के जजमेंट में। दूसरा बात है कोलिजियम सिस्टम, तो कोलिजियम सिस्टम को भी देखिए बोला जा रहा है कि कोलिजियम सिस्टम जो है वो अपॉइंटमेंट करता है हमारी कंट्री में जजेस की, कैसे कैसे अपॉइंटमेंट करता है वो भी आगे बताऊंगा, दोनों के बारे में, सुप्रीम कोर्ट के बारे में भी और हाई कोर्ट के बारे में भी। तो कोलिजियम सिस्टम जो अपॉइंटमेंट करता है, किसी पर्सन की अगर अपॉइंटमेंट होगी वहीं से ही बेसिक स्टार्टिंग होती है कि कितना ट्रांसपेरेंट सिस्टम है। अगर अपॉइंटमेंट में ही आप लोग गड़बड़ कर दे रहे हैं तो कहां ट्रांसपेरेंसी और कहां अकाउंटेबिलिटी रहेगी। और मॉडर्न संविधान में अगर हम लोग देखें, आज की डेट में जो हमारा संविधान है उसके तहत आरटीआई के तहत हक बनता है यहां पर कहीं ना कहीं जुडिशरी का भी, कि देखिए पब्लिक में बताए कि हाँ किस तरीके से वो काम कर रहे हैं और एक अकाउंटेबिलिटी उनकी होनी चाहिए। और यही बात जस्टिस भट्ट के द्वारा भी बोली गई थी, जो कि अभी फिलहाल फॉलो कर नहीं चली जा रही है, और ये एक नेगेटिव साइड दिखाता है। देखिए ओपन जस्टिस होना चाहिए, यानी कि अगर आरटीआई से कोई पूछ रहा है कि भैया कैसे अपॉइंटमेंट कर रहे हैं, तो इसमें बताने में क्या जा रहा है, ट्रांसपेरेंसी होएगा, पब्लिक स्क्रूटनी अगर यहां पर इस तरीके से देख रहे हैं इसको, पब्लिक में कोई देख रहा है इसको, तो एक तरीके से इसमें नेगेटिव इंपैक्ट नहीं आएगा, कोई अपने सगे संबंधी को वहां पर जज नहीं बनाएगा, कोई किसी ऐसा होगा कि दुश्मनी नहीं निकालेगा वहां पर, तो ऐसा कुछ नहीं होगा। अगर बात करें कि ट्रांसपेरेंसी के साथ में प्राइवेसी की जो बात चल रही है, तो भैया आरटीआई के अंदर ऑलरेडी प्राइवेसी है। आरटीआई में ये बोला गया है अगर कोई मैटर पब्लिक के लिए बेनिफिशियल है, यानी कि लार्ज पब्लिक के ऊपर इंपैक्ट डालता है, पब्लिक इंटरेस्ट में है, वही पब्लिक किया जाएगा, किसी की प्राइवेट इंफॉर्मेशन यहां पर फालतू में कोई पब्लिक कर ही नहीं रहा है। तो जो प्राइवेसी प्राइवेसी आप लोग चिल्ला रहे हैं कि जुडिशरी की प्राइवेसी हनन हो जाएगी, वो तो ऑलरेडी आरटीआई प्राइवेसी दे रहा है आप लोगों को, वो पब्लिक इंटरेस्ट में अगर कोई बात है तभी पर्सनल इन्फॉर्मेशन रिवील कर रहा है, वरना पर्सनल इन्फॉर्मेशन वो रिवील ही कहां कर रहा है। तो इस तरीके से तो आप लोग खुद देख सकते हैं यहां पर आरटीआई वो काम कर रहा है, तो ये बात यहां पर एक साइड होगी। दूसरी बात कोलिजियम सिस्टम की बात करते हैं। कोलिजियम सिस्टम देखिए वो इवोल्व हुआ है एक पैटर्न में। आप लोगों ने सुना होगा 1975 से 77 तक हमारी कंट्री में इमरजेंसी रही, यानी कि इंदिरा गांधी जी ने पूरा कंट्रोल कर लिया था जुडिशरी को, ऐसे ऐसे जजेस को वहां पर बैठाया था जो उनका फेवर करें। तो ये एक जो सिस्टम इवोल्व हुआ है हमारी कंट्री में, जब यहां पर हमारी कंट्री में कहीं ना कहीं जो एक कंट्रोल करने की कोशिश की गई एग्जीक्यूटिव के द्वारा जुडिशरी को, तो उनके द्वारा एक कोलिजियम सिस्टम यहां पर निकल के आया कि हाँ भैया हम अपनी अपॉइंटमेंट अपने आप करेंगे, वरना जुडिशरी में इंटरफेयर हो रहा है। और कहीं ना कहीं संविधान के हिसाब से एक पावर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो बिल्कुल डिफरेंट है, यानी कि आप लोग इंटरफेयर नहीं कर सकते, और पावर ऑफ सेपरेशन का फंडा यहां पर इंप्लीमेंट होना चाहिए। तो कोलिजियम सिस्टम में होता क्या है, बेसिकली कोलिजियम सिस्टम में ये होता है कि 5 जज होते हैं जो कि यहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं सुप्रीम कोर्ट में, तो यहां पर ये 5 जज का एक पूरा एक ग्रुप होता है। और जब बात करते हैं यहां पर हाई कोर्ट की, तो उसके अंदर 3 जज का ग्रुप होता है, ठीक है, जो कि यहां पर सीनियर मोस्ट जज होते हैं नॉर्मली, तो ये यहां पर डिसाइड करते हैं कि किसको अपॉइंट करना है। ये पूरा सिस्टम कोलिजियम सिस्टम कहलाता है। इसमें एग्जीक्यूटिव का, यानी कि जो हमारी जो भी पार्लियामेंट में जो वर्किंग करने वाले जो लोग हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, जो गवर्नमेंट है, उनका कोई इंटरफेरेंस यहां पर नहीं होता है, नॉर्मली गवर्नमेंट आप लोग बोलिएगा, ठीक है। तो अगर देखें कई सारी कंट्री ऐसी है जहां पर जुडिशियल अपॉइंटमेंट है वो मैकेनिज्म जो कोलिजियम सिस्टम की है, वो अगर देखेंगे जिस तरीके से हमारी कंट्री में लास्ट है, कई सारी कंट्री में ऐसी ही मैकेनिज्म है, यानी कि जो बोल देगा कोलिजियम अपॉइंटमेंट जिसकी होनी है मेनली उसी की होगी, इसमें कोई इंटरफेयर नहीं करेगा, ठीक है। तो ये बहुत कम कंट्री है, हाँ कुछ कंट्री ऐसी है, पर लेकिन वहां पर कोई ना कोई ट्रांसपेरेंसी देखने को जरूर मिलती है, हमारी कंट्री में कोई ट्रांसपेरेंसी नहीं है, तो ये गलत बात है। जैसा कि मैंने सभी को बताया अभी थोड़ी देर पहले कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा जो कंट्रोल करने की कोशिश की गई थी, इंटरफेयर किया गया था जुडिशरी के अंदर, उस टाइम पर ये सिस्टम इवोल्व होकर आया और तब से इसको फॉलो कर चला जा रहा है। पर लेकिन आज की डेट में अगर आप लोग यहां पर अपॉइंटमेंट करते हैं तो कम से कम कोलिजियम सिस्टम के अंदर तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन आया जिसको NJAC बोला गया, इसमें यह था कि गवर्नमेंट भी मिलकर काम करेगी जज को अपॉइंटमेंट करने में, तो यहां पर इसको यहां पर क्वेश्चन कर दिया गया, स्टक डाउन कर दिया गया कि हाँ ये इंटरफेरेंस कर रहा है फिर से जो इंदिरा गांधी जी के टाइम पर किया गया था, और ये हमारे इंटरफेरेंस करने की वजह से हम लोग इसको नहीं अलाउ करेंगे। पर लेकिन आज की डेट में जो कोलिजियम सिस्टम है वो खुद क्रिटिसिज्म में आ रहा है कि भैया वो ढंग से काम नहीं कर रहा है। यहां पर एक काफी इंटरेस्टिंग है जो मैंने आप लोगों को बताया था जिसका मुझे हंसी आई, वो ये था मार्कंडे काजदू, ये इनका कई बार आप लोगों ने नाम सुना होगा, ये कई बार उल्टी सीधी कमेंट करने की वजह से भी न्यूज में कई बार आते थे। तो इनके द्वारा क्या किया गया, ये जब चीफ जस्टिस थे इलाहाबाद हाई कोर्ट के, तो एक लॉयर को इन्होंने जज बनाने से मना कर दिया, पता है किस लिए, क्योंकि वो लिव इन रिलेशनशिप में रह रहा था बिना शादी किए हुए। तो ये आप लोग खुद बताइए कि कोई पर्सन लिविंग रिलेशनशिप में रह रहा है या वो अपने घर में कुछ भी कर रहा है भैया, ठीक है, तो उससे क्या मतलब है, क्या वो कैपेबल जज नहीं है। तो ये कि पर्सनल चीजों को इस तरीके से इंक्लूड करके उसको वहां पर
उसमें जज बनाने से मना कर दिया, तो ये क्वेश्चन मार्क लगाता है कोलिजियम सिस्टम के ऊपर कि कोलिजियम सिस्टम कितना ट्रांसपेरेंट है। और अगर आप लोगों ने इनको जज नहीं बनाया तो भैया रीजन दो क्यों जज नहीं बनाया है, और रीजन आप लोग दे रहे हैं लिविंग रिलेशनशिप, तो ये क्या तरीका हो गया, ये तो कोलिजियम सिस्टम के ऊपर क्वेश्चन मार्क हो गया कि कोलिजियम सिस्टम ढंग से काम ही नहीं कर रहा है, जबकि उसको लॉयर एक तरीके से उसको जज बनाना चाहिए था, वो मैरिटल स्टेटस शादी है शादीशुदा नहीं है, गर्लफ्रेंड है या फिर किसी के साथ में लिव इन में रह रहा है, तो इसका उससे क्या मतलब, उसकी उसका जो करियर है वो तो बिल्कुल डिफरेंट चीज है। तो ये बिल्कुल एक तरीके से बोल दिया कि हाँ भैया कोलिजियम सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, ट्रांसपेरेंसी नहीं है, क्योंकि अगर कोई ढंग से काम नहीं कर रहा है तो कम से कम पता होना चाहिए ना कहां कहां पर क्या कमी आ रही है, पर लेकिन कोई बताने के लिए तैयार ही नहीं है यहां पर। हालांकि दीपक मिश्रा जी के द्वारा थोड़ा सा यहां पर सॉल्यूशन निकाला गया, कोलिजियम सिस्टम की जो रिजोल्यूशन जो लीन के द्वारा लिया जाता है उसको ऑनलाइन पब्लिश करने की बात कर दी, ये थोड़ा सा एक ट्रांसपेरेंस प्रोसीजर यहां पर देखने को मिला। अगर यूएसए की बात करें यहां पर, तो देखिए यूएसए में और कुछ कंट्री बताई गई जैसे केनिया और अफ्रीका, यूएसए में क्या होता है फेडरल जुडिशरी होती है, हमारी कंट्री में क्या है, हमारी कंट्री में सेंटर की जो जुडिशरी है वही यहां पर जुडिशरी ऊपर से नीचे तक चलती है, स्टेट में आती है और फिर नीचे डिस्ट्रिक्ट पर चलती है, ऐसा नहीं है कि राज्य की अलग से यहां पर कोई राज्य का अलग से कोर्ट होगा जिसका कंट्रोल राज्य का होगा, राज्य का कोई कंट्रोल नहीं रहता है, अलग अलग कोर्ट है हमारे कंट्री में राज्य के अंदर, पर लेकिन उनका कंट्रोल जो सेंटर है वो किसके अंडर में है, वो सुप्रीम कोर्ट के अंडर में है, पर लेकिन यूएसए में ऐसा नहीं होता है, हर एक राज्य का अपना एक कंट्रोल होता है, कोर्ट होता है और उसमें सुप्रीम कोर्ट का उसमें कोई कंट्रोल नहीं होता है, ठीक है, तो यहां पर हाईएस्ट कोर्ट उसको बोला जाता है राज्य का, हमारी कंट्री में हाईएस्ट कोर्ट कौन है, वो है सुप्रीम कोर्ट है हमारी कंट्री में। तो यहां पर क्या होता है, वो पब्लिक कंफर्मेशन के लिए जाता है सीनेट में, यानी कि जो उनकी पार्लियामेंट है, और वहां पर उसको कंफर्म किया जाता है कि हां जुडिशरी की अपॉइंटमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो कंप्लीटली ट्रांसपेरेंट है, अपने आप वो कुछ नहीं कर सकते। कीनिया और साउथ अफ्रीका में जो भी यहां पर अपॉइंटमेंट की जाती है वो कंप्लीटली ब्रॉडकास्ट की जाती है लाइव, जैसे हमारी पार्लियामेंट चलती है ना जब डिस्कशन होता है आप लोग लाइव देख सकते हैं, उसी तरीके से यहां पर ब्रॉडकास्ट की जाती है। तो देखिए अगर कोलिजियम सिस्टम ढंग से काम नहीं कर रहा है, और जनता का अगर फेथ होना चाहिए इस सिस्टम के अंदर, तो उसमें गड़बड़ी क्या है, यानी कि अगर जनता का फेथ होगा तभी तो ढंग से काम होगा, अगर जनता का फेथ ही नहीं होगा किस सिस्टम के अंदर तो फिर उसका मतलब ही क्या रह जाएगा। तो पब्लिक स्क्रूटनी अगर हो रही है उससे इसको इम्यूनाइज करना कोई सही बात नहीं है, यानी कि पब्लिक स्क्रूटनी होनी चाहिए तभी और ज्यादा ट्रांसपेरेंट और अकाउंटेबिलिटी निकल कर आएगी जुडिशरी सिस्टम की अपॉइंटमेंट में भी। पर लेकिन हमारी कंट्री में क्या है, नॉमिनेशन कैसे करना है वो भी यहां पर सीक्रेट है, कैसे विचार विमर्श कर रहे हैं वो भी यहां पर सीक्रेट है कि इसको बनाना है नहीं बनाना है, एलिवेट करना है या नहीं एलिवेट करना है, उसके पीछे कोई रीजन भी नहीं रहता है, वो भी सीक्रेट है। तो कहने का मतलब यहां पर यह कंप्लीटली यहां पर जुडिशरी ने अपना ठप्पा लगा रखा है इसके ऊपर कि भैया जो करेंगे हम करेंगे, हमारे सिवा कोई नहीं करेगा, और ये बिल्कुल अपने आप पे कंट्रोल करके चल रहे हैं, तो ये गलत तरीका है, एक तरीके से एक्सट्रीमली अनहेल्दी क्लाइमेट यहां पर क्रिएट कर देता है। कई बार जब र्यूमर निकल के आते हैं कि जुडिशरी ने तो घपला कर दिया भैया यहां पर, तो ये बिल्कुल गलत तरीका है। जो चीफ जस्टिस रंजन गोगोई है उनके द्वारा पब्लिकली अभी स्टेटमेंट दी गई है, कंसर्न का इशू भी है कि देखिए उन्होंने बोला कि ट्रांसपेरेंसी कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय कर देगी यहां पर इंस्टीट्यूशन को अगर इस तरीके की बातें जनता के सामने निकल कर आएगी। अगर ओपन लाइट में सब कुछ खुला रखा है तो वहां पर क्या प्रॉब्लम हो जाएगी ये बता दो एक मिनट के लिए, आप लोग अपॉइंट कर रहे हैं जनता के फायदे के लिए कर रहे हैं, जनता वहां पर सुनने जा रही है अपनी सुनवाई करने जा रही है, तो अगर जनता को पता रहेगा कि हाँ ये जज है यहां पर सही है सही इंसान चुन के आया सही बात हो रहा है तो उसमें दिक्कत क्या है। तो देखिए ओपन कोर्ट की बात की जा रही है यहां पर इस तरीके से होना चाहिए और तभी कॉन्फिडेंस भी आएगा, और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक कंट्री में ये कहीं ना कहीं जो जुडिशरी है अपॉइंटमेंट यहां पर पब्लिक स्क्रूटनी के अंदर नहीं है, तो ये रीजन ऑफ वरी होना चाहिए यहां पर हमारी कंट्री में, कम से कम इसको कहीं ना कहीं अब इसको अलाउ कर देना चाहिए और जुडिशरी को इसके लिए टेंशन भी नहीं लेनी चाहिए कि हाँ ऐसा कुछ होने जा रहा है। तो वरी तब होना चाहिए जब ये स्क्रूटनी नहीं हो रही है, अगर स्क्रूटनी हो रही है तो आप लोगों को वरी नहीं होना चाहिए क्योंकि और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहां पर निकल कर आएगी। तो ऐसा कंप्लीट आर्टिकल आई होप कि आप लोगों ने एंजॉय किया होगा। अब क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा जिस भी आप लोग अपनी लैंग्वेज में दे सकते हैं, जो भी आप लोग लैंग्वेज यूज करें, और इसके अलावा एक दूसरे का आंसर जरूर एनालाइज कीजिए, ठीक है, ये काफी इंपॉर्टेंट है। यही बातें आज यहां पर डिस्कस कर रहा था जब मैं यहां पर विजेता जी के साथ में, तो यही बातें यहां पर निकल कर आ रही थी, यानी कि आप लोग जो छोटी छोटी चीजें इग्नोर करते हैं ना यही ले डूबती है। इतना फोकस देकर बोलता हूं पर लेकिन आप लोग उसको फोकस नहीं देते हैं, तो ये सारी बातें आप लोग यहां पर सुनेंगे तो आप लोगों को और ज्यादा क्लैरिटी आएगी। आगे चलते हैं मालदीव के बारे में, पहले आप लोग मैप में निहार लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत, यहां पर हो गया श्रीलंका, नीचे आएंगे ये हो गया यहां पर मालदीव, कैपिटल हो गई माले, इंडियन ओशन में एक कंट्री है, इंडियन ओशन में अगर कोई कंट्री है तो काफी इंपोर्टेंस हमारे लिए उसकी हो जाती है। मालदीव एक साउथ एशिया कंट्री है यहां पर, और मालदीवियन रुपया यहां पर इसकी ये करेंसी हो गई, और माले यहां पर इसकी कैपिटल हो गई, ठीक है। तो ये इंडिया से जस्ट नीचे साउथ में आप लोगों को ये एक आइलैंड कंट्री आप लोगों को देखने को मिलेगी। इसके बारे में बात करते हैं, पहले इसकी पॉलिटिक्स समझते हैं। पहले अगर आप लोग थोड़ा पहुंचेंगे यहां पर जो प्रेसिडेंट थे ये थे मोहम्मद नसीद जो थे, इनको गलत तरीके से यहां पर हटाया गया और अब्दुल्ला यमीन पिक्चर में आ गए। मोहम्मद नसीद जो थे हमेशा इंडिया का फॉलो किया करते थे, इंडिया का फेवर किया करते थे, और जब इनको जेल में डालने की बात की काफी लंबे समय तक ये इंडिया की एम्बेसी में भी रहे वहां पर, फिर यहां पर मोहम्मद नसीद चुनकर आए और इनके द्वारा कैप्चर की गई पावर, और ये पावर कैप्चर करने के बाद में ये चाइना की गोद में जाकर बैठ गए, यानी कि एक तरीके से इन्होंने अपनी कंट्री को चाइना के हाथों बेच दिया
और जो कुछ भी किया यहां पर चाइना के हिसाब से किया, इंडिया के कंप्लीटली ये खिलाफ हो गए, ऐसे ऐसे स्टेप इनके द्वारा उठाए गए। अभी रिसेंटली 2018 में फिर से तख्ता पलट हुआ और इब्राहिम सोलिद साहब यहां पर चुनकर आए और ये आज के दिन प्रेसिडेंट है। तो अभी यहां पर इलेक्शन हुए हैं फिर से पार्लियामेंट के, और जो इलेक्शन हुए इनकी जो पार्टी है वो एक शानदार तरीके की मेजोरिटी में आई है। यानी कि जिस तरीके से 2014 में मोदी वेव आप लोग बोलते थे, यहां सोलिद वेव आप लोग बोल सकते हैं इनकी कंट्री में, ये कंडीशन देखने को मिली। तो कहने का मतलब ये शानदार तरीके से ये जीत कर आए। तो जो इब्राहिम सोलिद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है ये कहीं ना कहीं एक डेमोक्रेटिक पार्टी को लेकर चलते हैं, ये डिक्टेटरशिप का रोल प्ले नहीं करते हैं और संविधान के हिसाब से काम करना पसंद करते हैं। 87 में से 60 सीट इनकी झोली में आकर गिरी, तो अब फायदा क्या होगा? कोई भी बिल पास कराना है, कोई भी पॉलिसी मैटर है, आसानी से पास कराएंगे, आसानी से इंप्लीमेंट करेंगे, और ये प्रो डेमोक्रेटिक रूल एक तरीके से इंप्लीमेंट करना चाहते हैं। ये अब ये यहां पर अब्दुल्ला यमीन की तरीके से नहीं है, जो कि इंडियन ओशन में भी कंप्लीटली बीजिंग के साथ में जाकर मिल गए, और इसकी वजह से बीजिंग ने इतना ज्यादा इन्वेस्टमेंट इनकी कंट्री में किया, आज के में कर्जा इतना है कि इनकी खुद की जो GDP है उसका 1/4 इनके ऊपर कर्जा है। समझ सकते हैं कि किस तरीके की कंडीशन में है इनकी कंट्री आज के में। तो अभी सोलिद साहब जैसे चुन कराए, इन्होंने जल्दी जल्दी सारे स्टेप उठाए, चाहिए प्राइम मिनिस्टर जी के साथ में जो हमारी कंट्री के नरेंद्र मोदी जी हैं उनके साथ में अच्छे रिलेशन बनाए, चीफ गेस्ट भी इनको बनाया गया, जो प्रेसिडेंशियल जो इनोग्रेशन था मोदी जी वहां पर पहुंचे थे। तो ये सारे फंडे काफी यहां पर किए गए इनके द्वारा, और इंडियन ओशन में जो प्रायोरिटी थी वो ये थी कैसे इंडिया के साथ में ये मिलकर काम कर सकते हैं। बीजिंग को यहां पर अलग तरीके से कंसीडर किया जा रहा था यहां पर, क्योंकि 5 साल तक जो कंट्री यहां पर कंडीशन खराब की गई है यमीन के द्वारा कंडीशन, तो वो सुधारने की कोशिश इनके द्वारा की गई इंडिया का साथ लेकर। इंडिया का साथ लेने की बात यहां पर यह है, दिसंबर 2018 में जब इंडिया की विजिट पर आए तो हमारी कंट्री ने इनको 1.4 बिलियन फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराया। इस फाइनेंशियल असिस्टेंस के बेस पर यहां पर जो भी कम्युनिटी के डेवलपमेंट प्रोजेक्ट है या फिर जो भी क्लीन एनर्जी या मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात की जाती है वो काफी इंपॉर्टेंट तरीके से आगे निकल कर आई। मैंने आप लोगों को अभी बताया था कि नेशनल डेब्ट जो इनकी कंट्री है वो डेब्ट क्राइसिस में है, क्योंकि एक क्वार्टर 1/4 जो इनकी GDP है वो आज के डेट में चाइना की यहां पर गिरवी रखी हुई है। तो ये काफी चैलेंजिंग है, इसीलिए इंडिया ने यहां पर इसकी हेल्प की, 1.4 बिलियन दिया ताकि कम से कम कुछ सॉल्यूशन यहां पर निकल सके इसका। तो उसी के तरीके से बातें की जा रही हैं। अब सबसे अच्छी बात क्या है, देखिए कितनी सीट जीत कर आए यहां पर जितने शानदार तरीके से, ये तो उससे फायदा होगा, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी तो आ गई, अब इकोनॉमिक ग्रोथ भी आराम आराम से आ जाएगा। तो जितने भी सारे यहां पर आइलैंड या द्वीप समूह है तो ये सारे अच्छे से यहां पर देखने को मिलेंगे। तो इंडियन ओशन रीजन जो है वो अच्छे से एक सिक्योर रीजन हो पाएगा, अगर ये हमारे साथ में काम करेंगे ढंग से तो हम भी उसको अंडरस्टैंड करेंगे और इनकी भी हेल्प करेंगे और इससे हमारी भी हेल्प है। छोटी सी कंट्री है, जिस तरीके से भूटान हो गया, चाइना हो गया, बांग्लादेश हो गया, और ये इस तरीके से मालदीव हो गया, तो ये श्रीलंका, इस तरीके की कंट्री को अगर हम लोग साथ में इंक्लूड कर चलना चाहे तो ये काफी बड़ी बात है, वरना फिर चाइना कार्ड यहां पर निकल के आता है। चाइना अपना रोल प्ले करता है, हम अपना रोल प्ले करते हैं, तो ये बात है कंप्लीट। इसी के साथ में जो थोड़ी बात इंटरव्यू में बोली गई है वो भी यहां पर कुछ ऐसी मिलती जुलती है, कहीं ना कहीं ये जो अभी डेमोक्रेटिक फ्रंट पर जीत कर आए हैं इससे एक ऐसा एनवायरनमेंट मिलेगा इंडियन ओशन में कि इंडियन ओशन स्टेबल हो जाएगा ज्यादा, जो कि चाइना का इंटरफेरेंस था वो कहीं ना कहीं इसकी वजह से थोड़ा कम हुआ है। हालांकि देखिए ये भी मालदीव वाले भी नकारते नहीं है चाइना को एक तरीके से कि हाँ चाइना इंपोर्टेंट नहीं है, वो भी ये बोलते हैं कि चाइना इंपोर्टेंट है क्योंकि रिलेशन बनाना काफी जरूरी है, खासकर एक पावरफुल कंट्री है, तो इनको भी काफी फायदा होता है अगर देखा जाए तो, नुकसान की एक अलग बात है पर लेकिन फायदा भी काफी देखने को मिलता है। तो इसलिए बैलेंस बनाने की कोशिश करते हैं हमेशा इंडिया और चाइना के बीच में, और यही जरूरी भी है, पर लेकिन ये नहीं कि बिल्कुल चाइना के साथ में जाकर मिल जाए, क्योंकि ज्यादा नियर किसके हैं, ये हैं इंडिया के, और अगर ये चाइना को कल को चल के बेस दे देते हैं, चाइना आकर यहां पर मिलिट्री बेस बनाए, वो सारी हरकतें करने लगे, तो वो काफी कंसर्न का इशू हो जाता है इंडिया के लिए। एक तो इंडिया के साउथ में है, ऊपर से हमारे ओशन में आकर यहां पर, तो ये काफी बड़ी बात यहां पर हो जाती है सोचने वाली हमारी सिक्योरिटी के लिए भी, क्योंकि 1962 में ऑलरेडी चाइना के साथ में हमारी वॉर हो चुकी है। चाइना पर और पाकिस्तान पर विश्वास नहीं किया जाता है क्योंकि ये हमेशा पलट जाते हैं अपनी बातों से, तो ये भी एक ट्रस्ट का इशू यहां पर निकल कर आता है दोनों कंट्री के बीच में। नेक्स्ट आर्टिकल जो है यहां पर यह है इसराइल के बारे में। इसराइल आप लोग एक बार मैप में निहार लिए, अगर आप लोग देखेंगे यहां पर 1948 से पहले इसराइल नाम की कोई कंट्री नहीं हुआ करती थी ढंग से, 1948 से पिक्चर में आना स्टार्ट हुई और फिर आगे चलते चलते यहां पर आप लोगों को इसराइल ही नजर आ रही है, पैलेस्टीन वो है खत्म होना स्टार्ट हो गई। ये जो व्हाइट है यहां पर ये आप लोगों को एरिया देखने को मिल रहा है यहां पर, जो कि आज के डेट में इसराइल का हो चुका है। ये ग्रीन पहले पैलेस्टीन का था, आज के डेट में ये ग्रीन आप लोग देखते हैं यहां पर ऐसा हो चुका है और इससे भी कम हो चुका है, ये 2012 की पिक्चर है आप लोगों के सामने। कंडीशन काफी खतरनाक है। इसराइल के पास में दो एरिया है, एक तो है वेस्ट बैंक और दूसरा यहां पर गाजा स्ट्रिप। गाजा स्ट्रिप में जो लोग हैं यहां पर हमास है जो कंट्रोल करते हैं इसको, एक तरीके से ये टेररिस्ट ग्रुप माना जाता है, और यहां पर फतेह है जो इसको कंट्रोल करते हैं, ये मॉडरेट ग्रुप है, ये अच्छे से बात कर चलते हैं। कैपिटल यहां पर नॉर्मली अगर इजराइल की बात करें तल अवीव मानी जाती थी, पर लेकिन रिसेंटली अभी डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जेरूसलम इसको कैपिटल बोल दिया गया है, पर लेकिन हमारी जो एम्बेसी है हमारी कंट्री की वो तल अवीव में ही है। यूएसए की एम्बेसी जेरूसलम में पहुंच गई है, जो कि एक डिसिप्यूटेड एरिया है पैलेस्टीन और इजराइल के बीच में। ये हो गया सीरिया यहां पर, जिससे गोलन हाइट छीना गया था इजराइल के द्वारा और आज के डेट में इजराइल के कंट्रोल में है। नीचे जॉर्डन और यहां पर हो गया इजिप्ट।
अब ये मैप आप लोगों के सामने इंडिया के कंपेयर में एक बार देख लीजिए, ये हो गया हमारा प्यारा भारत बीचों बीच। अगर आप लोग थोड़ा सा इधर आएंगे साइड में चलकर थोड़ा जूम कर लेते हैं तो यहां पर आप लोग देखिए, ये यहां पर देखिए, ये हो गया सीरिया और साइड में हो गया यहां पर एग्जैक्ट देखिए, ठीक है, ये यहां पर ये वाला पोर्शन जेरूसलम हो गया, ये हो गया इसराइल। तो ये वाले पोर्शन की यहां पर बात कर रहे हैं, तो इंडिया के कंपेयर में आप लोग जरूर देखा कीजिए, ठीक है। तो यहां पर आप लोग देखते हैं, ये हो गया हमारा कंट्री। तो ये अब बात करते हैं इसके बारे में, रिसेंटली अभी क्यों न्यूज में है, रिसेंटली अभी इसलिए न्यूज में है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो गोलन हाइट है उसको ये बोला कि ये इसराइल का पार्ट है और ये सोवरेनिटी यहां पर इसराइल की है इसके ऊपर, जबकि ये इसराइल का पार्ट है ही नहीं है, इसराइल के द्वारा ये छीना गया था सीरिया से। और यूएन भी आज के डेट में ये बोलता है कि ये सीरिया का पार्ट है ना कि इसराइल का पार्ट है, पर लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने यूनिलेटरल डिसीजन लिया अपने आप और बोल दिया ये सीरिया का नहीं इसराइल का पार्ट है। तो ये बड़ी सोचने वाली यहां पर बात हो गई। तो डोनाल्ड ट्रंप हमेशा स्टार्टिंग से यहां पर इसराइल के प्रो में अपना डिसीजन लेकर चलते हैं और ये रीजनल स्टेबिलिटी के लिए भी काफी खतरनाक है अगर आप लोग देखेंगे, क्योंकि यहां पर और ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो गई क्योंकि जो भी अरब कंट्री है वो कोई भी यहां पर इसको सपोर्ट नहीं करती है, क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप प्रो इसराइल यहां पर स्टेप यहां पर उठा रहे हैं, स्टार्टिंग से डिक्लेयर कर दिया जेरूसलम को ऑफिशियल कैपिटल, वो भी आप लोगों को देखने को मिला। और अगर आप लोग देखेंगे यहां पर इनका जो कॉन्सुलेट है वो भी इन्होंने इसराइल में यहां पर पहले वो इसराइल में जेरूसलम में यहां पर ट्रांसफर कर दिया, जो कि एक गलत बात है। इसी के साथ में आप लोग जानते हैं इनके द्वारा कहीं ना कहीं इसराइल के प्रो फेवर में एक और काम किया गया 2015 में, जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन, जिसको आप लोग ईरान न्यूक्लियर डील बोलते हैं, इसका ये एक आप लोग बोल सकते हैं ये ऑफिशियल नाम है। तो इससे ये बाहर निकल गए, क्यों, क्योंकि यहां पर भी आप लोगों को देखने को मिला इसराइल और ईरान की बनती नहीं है, तो उसकी वजह से यहां पर ये भी इसराइल को सपोर्ट देखने को मिला। तो इसराइल भी यहां पर चाहता है कि इसके ऊपर सैंक्शन लगाए जाए ईरान के ऊपर, क्योंकि यहां पर जब बात करते हैं कई सारी जगह सीरिया में अपोजिट में रहता है ईरान और इसराइल, इसी के साथ में हजबुल्ला जो ग्रुप को यहां पर सपोर्ट करता हुआ नजर आता है ईरान, इसी के साथ में आप लोग यहां पर हमास ग्रुप है उसको सपोर्ट करता हुआ नजर आता है, कौन, गाजा स्ट्रिप के अंदर में ईरान, यानी कि ईरान जो एक तरीके से दुश्मन हो गया, ये जो हमास ग्रुप है इसको ईरान सपोर्ट करता है जो कि एक टेररिस्ट ग्रुप का दर्जा इसको दे रखा है गाजा स्ट्रिप में, यही यहां पर बार बार इनकी झड़प होती है इसराइल की फोर्सेज के साथ में, तो इसलिए भी इसराइल काफी चिढ़ता है ईरान से। तो ये स्टेप भी उठाए गए यूएसए के द्वारा ताकि इसराइल को एक तरीके से सपोर्ट किया जा सके। तो कहीं ना कहीं आप लोगों को देखने को मिलेगा ये कंप्लीटली इग्नोर कर रहे हैं फिलिस्तीन को और इसराइल को सपोर्ट कर रहे हैं खुलेआम। अब तक का अगर पास्ट का आप लोग पैटर्न देखेंगे तो एक पैटर्न ये हुआ करता था कि 1967 में जब से यहां पर इसराइल अरब कॉन्फ्लिक्ट हुआ तब से लेके अब तक का जब सब पार्टी का कंसर्न हुआ करता था तब जाकर यहां पर कोई स्टेप ये इसराइल की सपोर्ट में उठाया करते थे, पर लेकिन आज की डेट में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो अपने हिसाब से काम यहां पर कर रहे हैं। यूएन सिक्योरिटी काउंसिल में रिजोल्यूशन की अगर बात करें तो वो भी देखिए एक तरीके से यहां पर कहीं ना कहीं जो इसराइल का जो एक तरीके से जो इसराइल का जो मुद्दा है उसको हमेशा से विड्रॉ करने की बात करते हैं उन टेरिटरी से जो कि उन्होंने फोर्सफुली एक्वायर कर रखी है अलग अलग एरिया में। और सीरिया की गोलन हाइट की अगर बात करें तो ये भी देखिए कहीं ना कहीं इसराइल को हमेशा से यहां पर इसका पार्ट माना ही नहीं जाता है, इसराइल का पार्ट इसका हमेशा से सीरिया का पार्ट माना जाता है। ऐसा ही कुछ आप लोग देखते हैं, हम लोगों ने एक आर्टिकल में डिस्कस किया था आसपास की कई सारी कंट्रीज से इजिप्ट हो गया, इजिप्ट के साथ भी ऐसी कुछ हरकतें की गई थी, पर लेकिन वो पावरफुल कंट्री है तो उनके द्वारा अपना पोर्शन जो है वो वापसी ले लिया गया, पर लेकिन इसराइल में उसमें सीरिया में ऑलरेडी काफी प्रॉब्लम थी वो अपना पोर्शन यहां से वापसी नहीं ले पाए। तो देखिए ये एक तरीके की कहीं ना कहीं जो पॉलिटिक्स है वो गलत तरीके से यहां पर खेली जा रही है। और आखिर ऐसी हरकतें डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा क्यों की जा रही है, एक तो इंटरनल पॉलिटिक्स में अगर बात करें यहां पर 65 जो यहां पर डेमोक्रेट्स है कहीं ना कहीं जो सपोर्ट करने वाली है ज्यूइश कम्युनिटी यहां पर देखने को मिलती है वो यहां पर सपोर्ट निकल कर आती है, यानी कि इंटरनल पॉलिटिक्स की वजह से यहां पर एक तो बात यह है। इसी के साथ में बेंजामिन नेतन्याहू वो फेस कर रहे हैं आज के डेट में, इलेक्शन होने वाले हैं अभी यहां पर 9 अप्रैल से यानी कि आज के डेट यहां पर, और इसी के साथ में कहीं ना कहीं इनके ऊपर कई सारे करप्शन के भी चार्ज लग रहे हैं। तो एक तरीके से अगर ये कंट्री को यहां पर फिलिस्तीन को एक तरीके से साइड में रख देते हैं, जेरूसलम को इनकी कैपिटल बना दिया, गोलन हाइट अपने कंट्रोल में ले ली, तो कहीं ना कहीं एक ऐसी इमेज आ गई बेंजामिन नेतन्याहू की, तो और ज्यादा इनको सपोर्ट मिलेगा लोकल पॉलिटिक्स में और जो इनके ऊपर करप्शन के मुद्दे हैं वो धुंधले पड़ेंगे थोड़े, और कहीं ना कहीं ये इलेक्शन में फिर से जीत कर आएंगे। तो इस तरीके से इसको पॉलिटिक्स के तरीके से ज्यादा देखा जा रहा है ना कि पर्टिकुलर रीजन में स्टेबिलिटी के तरीके से। अगर हिस्ट्री आप लोग उठाकर देखेंगे तो 1917 में यहां पर यह है लॉर्ड बालफोर, तो ब्रिटेन के ये फॉरेन सेक्रेटरी थे, इनके द्वारा यहां पर इसको सपोर्ट किया गया था इसराइल को, तब जाकर 1948 में इसराइल आया था फलस्तीन और अरब्स के द्वारा, उस टाइम पर भी इसको अपोज किया गया था, अरब कंट्री जो भी यहां पर है उनके द्वारा सबके अपोज किया गया था उस टाइम पर भी, पर लेकिन यहां पर ये इसराइल पिक्चर में आ गया। ये पिक्चर जो मैंने अभी आप लोगों को दिखाई यहां पर, ये आप लोग देखते हैं ऐसे ऐसे यहां पर ये जो फलस्तीन का पोर्शन है घटना पर स्टार्ट हो गया और इसराइल का पोर्शन बढ़ना स्टार्ट हो गया। 2004 में जो यूएसए के प्रेसिडेंट जो डब्ल्यू बुश थे उनका भी कहीं ना कहीं सपोर्ट यहां पर देखने को मिलता था इस्टेब्लिश करने में इसराइल को, और ये आगे चल के अच्छे से इस्टेब्लिश होना स्टार्ट हो गया। ज्यूइश सेटलमेंट आप लोग देखते हैं वेस्ट बैंक में या फिर यहां पर आराम आराम से होना स्टार्ट हुआ और इनके द्वारा सपोर्ट किया गया कंटिन्यूअस तरीके से। इसराइल की जो पॉलिटिक्स है वो भी यहां पर काफी बड़ा रोल पड़ रही है, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को बताया, बार बार बोलते हैं कि टू नेशन थ्योरी की दो नेशन होनी चाहिए, एक इसराइल के ज्यूज के लिए
है, और दूसरा होना चाहिए यहाँ पर जो मुस्लिम है यहाँ पर उनके लिए। पर लेकिन कैसे यहाँ पर इनको कर पाएंगे, क्योंकि नॉर्मली अगर देखा जाए तो आधे से ज्यादा है इसराइल के अंदर आज की डेट में तो अरब कम्युनिटी के लोग वहां पर रह रहे हैं। यानी कि कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि ये सोल्यूशन करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि अरब और ज्यूइश पॉपुलेशन लगभग इक्वल है अगर बात करते हैं आप लोग यहाँ पर, तो कैसे उसको आप लोग अलग कर पाएंगे। ठीक है, तो ये बिल्कुल एक तरीके से टफ मुद्दा यहाँ पर पड़ जा रहा है इस सिचुएशन को अगर हैंडल करने की सोचेंगे तो। और इसी के साथ में सीरिया से अभी विड्रॉ करने की बात की जा रही है डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा, तो उसमें भी यहाँ पर फंडा क्या रह रहा है, उसमें ये फंडा आता है कि जैसे जैसे सीरिया से विड्रॉ करते हैं इसराइल की प्रेजेंस वहां पर बढ़ रही है, तो ये भी देखने वाली बात है। और रशिया वो यहाँ पर मिलिट्री जो प्रेजेंस यहाँ पर रशिया और ईरान की, सॉरी इसराइल नहीं रशिया और ईरान की, तो वो प्रेजेंस यहाँ पर बढ़ रही है, काफी इंक्रीज हो रही है। तो ये अब देखने का तरीका होगा कैसे इसको हैंडल किया जाएगा। अगर इंडिया की बात करें तो देखिए इंडिया के रिलेशन इसराइल के साथ में काफी अच्छे हैं, तो इसके बेस पर कहीं ना कहीं हमारे रिलेशन सीरिया के साथ में भी हम लोग अच्छे कर पाएंगे अगर आने वाले टाइम में बात देखने की मिले, यानी कि कैसे मेंटेन रख पाएंगे रिलेशन, तो लेकिन ये भी बात है निकल कर आती है। पर लेकिन अगर देखेंगे आप लोग कहीं ना कहीं फिलिस्तीन के मुद्दे को हम लोग अलग तरीके से सपोर्ट करते हैं भले ही इसराइल के साथ में हमारे अच्छे रिलेशन हो। और इसी के साथ में सबसे बड़ी बात यहाँ पर है गोलन हाइट जो है वहां पर पीस कीपिंग फोर्स के पार्ट होती है इंडिया की जो हमारी फोर्सेज होती है वो भी। तो डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा जो भी मूव लिए गए हैं जो जियो पॉलिटिक्स यहाँ पर बहुत ही गड़बड़ाने वाली है, लॉन्ग टर्म इंप्लीकेशन यहाँ पर देखने को मिलेंगे इंडिया के लिए भी, क्योंकि इंडिया भी उन रीजन में यहाँ पर इंडिया की एक अलग कंडीशन रहती है। और यहाँ पर दूसरी साइड से अगर देखें बिल्कुल ऐसा है जैसे हम लोग अगर बात करते हैं पाकिस्तान के साथ में हमारी अलग कंडीशन है, और जो मुस्लिम कंट्री है जैसे कि सऊदी अरेबिया हो गया उनके साथ में हमारे अलग रिलेशन है, पर लेकिन अलग देखेंगे तो उनका एक अलग पैटर्न निकल कर आता है। तो कहीं ना कहीं ये कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशन अगर हम लोग इसको इस तरीके से थोड़ा एनालाइज कर देखते हैं तो। तो ये था कंप्लीट आर्टिकल इसके बारे में। आगे बात करते हैं करोड़पति पार्लियामेंट में, ये कहां से न्यूज निकल कर आई, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म यानी कि ADR के द्वारा ये बोला गया 430 यहां पर आज की डेट में 521 जो MP है उनमें से 1 करोड़ से ज्यादा उनके पास में मनी है, यानी कि सारे यहाँ पर करोड़पति हैं मैक्सिमम, बहुत कम ऐसे हैं जिनके पास 1 करोड़ से ज्यादा कम मनी है यहाँ पर। 83% जो लॉ मेकर हैं यहाँ पर आज के डेट में वो करोड़पति की लिस्ट में आते हैं, यानी कि अगर आप लोगों को इलेक्शन लड़ने हैं तो करोड़पति आप लोगों को होना चाहिए ये बोल सकते हैं आप लोग। तो ये रिच जो है यहाँ पर जो पार्लियामेंट में बढ़ते जा रहे हैं, कहीं ना कहीं लार्जली हमारी कंट्री तो पुअर की कैटेगरी में आती है, तो जो एक अमीर आदमी है वो गरीब की प्रॉब्लम नहीं समझ पाएगा। बिल्कुल ऐसे ही जैसे बोला जाता है ना कि महिलाओं को 33% रिजर्वेशन दो पार्लियामेंट में, क्योंकि अगर महिला की प्रॉब्लम है मेनली महिला समझ पाएगी, मेल कम्युनिटी उसको ढंग से नहीं समझ पाती है, तो ये भी बात यहां पर निकल कर आती है। तो जो इतने ज्यादा बिजनेस जो इतने ज्यादा यहाँ पर बढ़ते जा रहे हैं ये एक अलग फंडा आ रहा है। एक टाइम पे हुआ करता था जो पॉलिटिशियन है वो और जो बिजनेसमैन है दोनों में एक रिलेशन हुआ करता था, बिजनेसमैन हमेशा सपोर्ट करा करते थे पॉलिटिशियन को और उसके बाद में पॉलिटिशियन चुनकर आते थे तो वो बिजनेसमैन को फायदा पहुंचाया करते थे। आज की डेट में मुद्दा ये हो गया है कि बिजनेसमैन ये सोचता है मैं ही क्यों पॉलिटिशियन ना बन जाऊं, अगर आज की डेट में मेरे पास में पॉलिटिक्स है मेरे पास में पैसा है तो इससे बढ़िया बात क्या होगी भैया, इससे बढ़िया तो बल्ले बल्ले हो गया फिर तो। ये बिल्कुल ऐसे है जैसे मैंने आप लोगों को पॉलिटिक्स के एक लेक्चर में पढ़ाया था, ये बोला था मैंने उस टाइम पर आप लोगों को कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ द पॉलिटिक्स, यानी कि पहले जो थे बाहुबली टाइप के लोग थे वो हमेशा पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया करते थे, यानी कि कहीं पे दंगे करवाने हैं किसी बूथ को कैप्चर करना है किसी एरिया में वहां पर किसी अपोजिशन के लीडर को मारना है ये काम कर इलेक्शन जीते जाते थे, तो वे बाहुबली जो थे वो हमेशा पॉलिटिशियन को बनाते थे। कई बार पॉलिटिशियन के साथ में उनकी झड़प हो जाती थी तो बाहुबलियों ने ये सोचा कि भैया हम पॉलिटिशियन को जिता रहे हैं तो क्यों ना हम ही पॉलिटिशियन बनकर बैठ जाएं, यही काम बिजनेसमैन का देखने को मिला यहाँ पर। तो जैसे हमारी कंट्री में प्राइवेटाइजेशन लिबरलाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हुआ 1991 के बाद में, तो जो पावरफुल बिजनेसमैन थे उन्होंने पॉलिटिक्स में एंट्री करना स्टार्ट कर दिया और इसकी वजह से आज के दिन इनका एक तरीके से आप लोग देखते हैं पावर भी हो गई हाथ में और मनी भी हो गई, तो कहीं ना कहीं एक इंटरेस्ट जो है वो यहाँ पर इंपैक्ट डालता है फिर जो पब्लिक पॉलिसीज हैं, यानी कि बिजनेसमैन है आज की डेट में और जो पॉलिटिक्स में वो एक ऐसा रिलेशन हो गया है कहीं ना कहीं बात ये निकल कर आती है कि अगर इनको अपना फायदा करना है। देखिए बात क्या होती है, कई मान लीजिए आज की डेट में कोई स्कीम चल रही है बिजनेसमैन पॉलिटिशियन है वो क्या सोचेगा, वो ये सोचेगा कि कहीं ना कहीं अपने फायदे के लिए कोई काम किया जाए जो कि मेरी कंपनी को फायदा हो जाए मेरी कंपनी का प्रॉफिट बढ़ जाए, तो ऐसा मुद्दा यहाँ पर नॉर्मली देखने को मिल रहे हैं आज के डेट में बहुत सारे, हालांकि वो छिपे हुए रहते हैं डायरेक्टली देखने को नहीं मिलते हैं। और ये आज की डेट में एक नई क्लास निकल कर आ रही है बिजनेसमैन पॉलिटिशियन, यानी कि पावर है उसके हाथ में और इससे बड़ा आज की डेट में जो नशा है वो कोई बोल नहीं सकते, यानी कि एक साइड में पावर हो गई क्या पैसे की, दूसरी साइड में पावर हो गई पॉलिटिक्स की, अगर दोनों अलग अलग पावर है वो भी ज्यादा इतनी पावर नहीं है, पर लेकिन जब दोनों पावर मिल जाती है पैसा भी है और पॉलिटिक्स भी है तो इससे बड़ा नशा आज के डेट में कोई है नहीं है, ऐसी बात यहां पर राइटर बोल रहे हैं। एक बिजनेसमैन की बात यहां पर बताई गई है, यह है कोंडा विश्वरा रेड्डी, तो इनकी अगर बात यहां पर देखें ये एक बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन है,
895 करोड़ इनकी प्रॉपर्टी है और मैक्सिमम इनकी वाइफ के नाम है यहाँ पर, ठीक है। तो डिक्लेयर जो फैमिली एसेट्स इनके द्वारा जो डिक्लेयर की गई है 895, समझ सकते हैं आप लोग ये कहाँ के रहने वाले हैं, ये साउथ इंडिया के यानी कि हैदराबाद से बिलोंग करते हैं ये। तो इस तरीके से आप लोग इनको समझ सकते हैं कि क्या कंडीशन है यहाँ पर, कितने लार्ज स्केल पर पैसा है। इसी के साथ में एक और इंसान है यहाँ पर जिनका नाम है नामा नागेश्वर राव, ये भी यहाँ पर टीआरएस के कैंडिडेट हैं, जो कि आप लोगों को देखने को मिलेगा। इनकी 338 करोड़ रुपए की यहाँ पर इनकी एसेट इनके द्वारा दिखाई गई है। ऐसे बहुत सारे हैं, ऐसे तो बहुत सारे नाम आप लोगों के सामने निकल कर आई है। इसी के साथ में यहाँ पर जयदेव गलाल है, यहाँ पर इनकी प्रॉपर्टी बोला गया 600 करोड़ के करीब है यहाँ पर। तो ये अलग अलग स्टेट में अलग अलग आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। तो ये जो आज के डेट में जो एक पैटर्न चेंज होता हुआ आ रहा है यहाँ पर, जो बिजनेसमैन टर्न पॉलिटिशियन यहाँ पर बनते हुए आ रहे हैं, तो देखिए ये ग्रेटेस्ट पावर मनी की जो आज के डेट में पॉलिटिक्स के हाथ में जो पावर आ रही है, ये बहुत ही लार्ज स्केल पर बढ़ती जा रही है। और इसकी वजह से जो हमारी कंट्री की जो प्रॉब्लम है वो ढंग से एड्रेस नहीं हो पा रही है, क्योंकि अमीर लोग वहां पर ज्यादा पहुंच रहे हैं, जो गरीब तबका है सोसाइटी का जो अंडरस्टैंड कर सकता है इसको, वो वहां पर नहीं पहुंच रहा है। और इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है, इन्होंने बोला है इसको कि इससे बड़ा नशा कुछ नहीं है जब दोनों एक साथ में मिलकर आ जाते हैं, इनके पैसा भी और पावर भी। तो इसको रोकना पड़ेगा अगर चीजों का सोल्यूशन निकालना चाहते हैं। तो ये थे आज का आर्टिकल। आइए अब नजर आते हैं न्यूज एनालिसिस वाले पोर्शन पे। बीजेपी के द्वारा मैनिफेस्टो यहाँ पर जारी कर दिया गया, जिसको संकल्प पत्र इनके द्वारा बोला गया है 2019 के इलेक्शन के लिए। तो इसमें यूनिफॉर्म सिविल कोड अबोलिशन, आर्टिकल 370, राम मंदिर बनाना जो कि पॉसिबल था वो बनेगा ही बनेगा, और 6,000 रुपए पर एनम ये किसानों को जो अभी दे रहे हैं पीएम किसान के तहत, उनको इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। तो देखते हैं कहां तक ये इंप्लीमेंट कर पाते हैं। नेक्स्ट यहां पर बोला गया, जिस तरीके से 2014 में बीजेपी के खिलाफ बीजेपी के लिए एक लहर थी मोदी जी के नाम पर, अब कोई ऐसी लहर देखने को ज्यादा मिल नहीं रही है यहां पर, वो काफी कम हो चुकी है अगर पहले कंपेयर में किया जाए, यानी कि फुल मेजोरिटी मिलना काफी मुश्किल यहां पर होने वाला है किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, ऐसा कुछ यहां पर बोला जा रहा है। 35% जो लगभग बोला जा रहा है सपोर्ट यहां पर बीजेपी को, 23% कांग्रेस को, 9% बीएसपी को यहां पर निकल कर आ रहे हैं। तो देखते हैं कैसे आगे सिचुएशन हैंडल की जाती है। इसके अलावा यहां पर बात की जा रही है हमारी कंट्री में ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा मंडे में यहां पर बोला गया कि फर्स्ट बेंच 6 धनुष आर्टिलरी गन ये यहां पर आर्मी को सौंप दी गई है। ये धनुष आर्टिलरी जो गन है ये इंडिया के द्वारा इंडिजिनियसली अपग्रेड किया गया है वर्जन, जो स्वीडिश यानी कि स्वीडन की बफोर जो गन थी 1980s में जो हम लोग कंट्री को देखने को मिली थी, ये तब से लेकर इसका वर्जन जो इंडिजिनियसली डेवलप निकल कर आया है ये उसी का वर्जन है जो कि धनुष है यहां पर। तो पूछा जा सकता है कि धनुष किस गन का वर्जन है, तो ये है किसका, बफोर का। ओके, तो ये भी आप लोग आइडिया रखिए, जो कि स्वीडन से खरीदी गई थी। एसबीआई के द्वारा बोला गया जेट एयरवेज के जो स्टेक है उसको शेयर करने के लिए, उसको सेल करने के लिए 75% यहाँ पर कैश में बोला गया आगे डील होगी, और 10 अप्रैल से यहाँ पर इसके लिए अलाउ कर दिया जाएगा कि कैसे कैसे इसमें काम आगे चलना है। नेक्स्ट बात की जा रही है आईटी मद्रास के द्वारा टॉप किया गया है, सेंटर के द्वारा जो रैंकिंग यहाँ पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन की निकल कर आती है, आईटी मद्रास के द्वारा टॉप किया गया है, आईएससी बेंगलोर सेकंड है यहाँ पर, आईटी दिल्ली थर्ड, आईटी बॉम्बे फोर्थ, और यहाँ पर आईटी खड़गपुर यहाँ पर पांचवें नंबर पर है। यूनिवर्सिटी में अगर आप लोग देखेंगे यहाँ पर ओवरऑल में तो ये है, फिर यूनिवर्सिटी में बेंगलोर, जेएनयू, बीएचयू, हैदराबाद और कोलकाता ये देखने को मिल रही है। इंजीनियरिंग में मुंबई, आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे, ये खड़गपुर और कानपुर ये ऐसे देखते हैं। मेडिकल में दिल्ली एम्स, चंडीगढ़, या फिर यहाँ पर वैल्यूर हो गया सीएमसी, इसका अलग अलग कॉलेज है ये आप लोग देखते हैं, ठीक है। ये सारी रैंकिंग है, ये यूनिवर्सिटी की होगी, ये इंजीनियरिंग की होगी, ये मेडिकल, ये मैनेजमेंट और ये कॉलेजेस की होगी, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने सारी यहां पर डीए रैंकिंग है, ये तैयार की जा रही है यहां पर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट मिनिस्ट्री के द्वारा, ठीक है। तो ये आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आगे बात करते हैं, नेक्स्ट जो बात की जा रही है हमारी कंट्री की जो जीडीपी ग्रोथ है वर्ल्ड बैंक के द्वारा बोली गई है 7.5% रहने वाली है 2019 और 2020 के लिए। तो ये एक पॉजिटिव बात है, जो कि हमारी कंट्री की ग्रोथ है वो वर्ल्ड में हाईएस्ट ग्रोइंग कंट्री है हमारी। जो अभी यूएसए के द्वारा ईरान की जो फोर्सेज है यहाँ पर उसको टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का दर्जा दिया गया, जिसकी वजह से दोनों के रिलेशन और ज्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट के द्वारा बोला गया कि वीवीपैट जो ट्रायल उसके साथ में जो मैच करने की बात की जाती थी, एक मशीन यहाँ पर चेक किया जाता था, अब उसको बढ़ाकर 5 का बोल दिया गया कि रैंडम कोई भी 5 ईवीएम आप लोगों को जाकर चेक करनी है कि हाँ कैसे वो ठीक काम कर रही है या नहीं काम कर रही है। इसी के साथ में हमारी एयरफोर्स है, उनके द्वारा प्रूफ प्रेजेंट किया गया है कि F-16 जो है हमारी एयरफोर्स के द्वारा मार गिराया गया था, जो कि एक काफी कंट्रोवर्सी चल रही है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में कि हाँ F-16 नहीं मारा गिराया, ये यूएसए के द्वारा बोला गया कि उन्होंने जाकर चेक किए हैं वहां पर। तो देखिए जो भी है यहाँ पर ये अभी रस्साकसी यहाँ पर चल रही है। श्रीलंका के द्वारा ये बोला गया कि वो चाहते हैं कि इंडिया की जो फोर्सेज हैं वो इंडिया की जो यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है डिफेंस वाले, वो ट्रेन करें यहाँ पर श्रीलंका की फोर्सेज को। तो ये मैत्रीपाला सिरिसेना जो कि यहाँ के प्रेसिडेंट है उनके द्वारा बोला गया है। तो देखते हैं कितना यहाँ पर चीजें इंप्लीमेंट हो पाती हैं। इसी के साथ में आप लोगों से जो पूछा गया था ये कंट्री का क्वेश्चन, ये था लिथुआनिया, ठीक है। तो ये आप लोगों के सामने है यहाँ पर मैप, आप लोग देखते हैं, ये हो गया बाल्टिक सी, इसके साथ में ये हो गया लिथुआनिया, इसके अलावा ये हो गया एस्टोनिया, ये हो गया यहाँ पर बेलारूस, और यहाँ पर हो गया ये थोड़ा इधर आएंगे रसिया का पोर्शन, ये थोड़ा रसिया का पोर्शन आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलता है, ठीक है। और यहाँ पर हो गया पोलैंड,
तो ये एक यूरोपियन कंट्री है जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं, उसी के साथ में ये इसका फ्लैग हो गया यूरो। एक तो यूरोपियन कंट्री है, यूरो यहां पर यूज होती है, और लिथानियन ये है यहां पर लिथास, ये इसकी करेंसी है, और विल्निस यहां पर आप लोगों को इसकी कैपिटल नजर आएगी। ठीक है, तो ये एरिया आप लोग देख सकते हैं अपनी कंट्री कंपेयर में। एक बार आप लोग देखिए लोकेशन कहां पर है, ये हो गया हमारा प्यारा भारत। यहां से आप लोग यूरोप के अंदर आएंगे, थोड़ा जूम कर देखेंगे तो यहां पर आप लोगों को ऊपर देखने को मिलेगा, ये होगी एग्जैक्ट कंट्री। ठीक है, तो ये पोर्शन है आप लोगों के सामने, इसका आइडिया आप लोग रख सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। अब आप लोगों के सामने आज का क्विज जो कि आप लोगों को अटेम्प्ट करना है, इससे पता चला है कि अच्छे से आप लोगों ने लेक्चर सुना है। बाकी जो मेंस का क्वेश्चन है उसका भी आंसर आप लोग जरूर दिया कीजिए। 2009 में कौन से हाईकोर्ट के द्वारा यहां पर जजमेंट दिया गया था कि जो चीफ जस्टिस ऑफिस है वो आरटीआई के अंडर में आना चाहिए और ज्यादा ट्रांसपेरेंसी यहां पर निकल कर आएगी। कोलिजियम सिस्टम में कितने मेंबर रहते हैं यहां पर जब सुप्रीम कोर्ट की बात की जाए, और कितने मेंबर रहते हैं जब हाईकोर्ट की बात की जाए जज को अपॉइंट करने के लिए। कीनिया के साथ में कौन सी कंट्री है यहां पर जो कि यहां पर जब अपॉइंट करती है, पब्लिक ब्रॉडकास्ट करती है यहां पर जजेस को, तो ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में जो आर्मी के द्वारा धनुष आर्टिलरी अभी ली गई है, इंडिजिनियसली डेवलप बोला गया है, बफोर्स की गन का अपग्रेडेशन है ये, कब हमारे द्वारा बफोर्स खरीदी गई थी ये यहां पर स्वीडन से, ये आप लोगों को बताना है। इसी के साथ में ये बात की जा रही है कि हमारी जो कौन सी कंट्री के द्वारा ये बोला गया कि हमारी मिलिट्री को आकर आप लोग ट्रेन कर दो, और ये यहां पर इनके प्रेसिडेंट है सिरिसेना, तो डिफेंस सेक्रेटरी से अभी बात हुई है इनकी। इसी के साथ में आप लोगों को बताना है यहां पर 1917 में लॉर्ड बालफोर ब्रिटिश सेक्रेटरी के द्वारा यहां पर बोला गया था कि यहां पर जो इसराइल है उसको स्टेब्लिश करना चाहिए, और कब जाकर इसराइल स्टेब्लिश हुआ था ये बताना है, जबकि अरब और फलस्तीन के द्वारा अपोज किया गया था। अगर बात करें यहां पर ADR एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म के द्वारा बोला गया कितने यहां पर मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है 521 में से, जो कि 1 करोड़ से ज्यादा इनकी इनकम है, ये बात यहां पर बोली गई है। तो इधर टोटल आज का डिस्कशन 10 बजे आप लोगों को यहां पर वो डिस्कशन मिलेगा जो कि आप लोगों को थोड़ा गाइड करेगा, अगर आप लोगों को इंटरेस्ट है तो आप लोग उसको सुन सकते हैं, एग्जैक्ट 10 बजे आप लोगों को मिल जाएगा। इसी के साथ में कनेक्ट रह सकते हैं फेसबुक, इसी के साथ में टेलीग्राम पर आप लोग कनेक्ट रह सकते हैं, वीडियो के जो PDF आप लोगों को टेलीग्राम पर भी मिल जाएंगे। आसपास सफाई रखिए, पानी और पेड़ पौधों से सेव कीजिए, पॉलिथिन और प्लास्टिक बिल्कुल यूज नहीं करना है। बड़ों को नमस्ते, छोटों को प्यार, छोटी सी लाइफ एंजॉय करो यार। मिलता हूं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद।